गर्दन पीछे लटके रहते थे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हेडरेस्ट लगाने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो में बताया जाएगा, आज वो वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के कुछ भी नहीं है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं इस तरह की वीडियो और ज़्यादा वीडियो आपके सामने लेकर आ पाऊँगा। तो हेडरेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इन क्लिम्स की पड़ेगी, 9 इंची पाइप चाहिए और नियर बाई कोई वेल्डर जरूर हो क्योंकि वो जो पाइप है वेल्डिंग के हिसाब वेल्डिंग से ही फ्रेम में जुड़ेगा। तो अपने आसपास देख लीजिएगा कि वेल्डर जरूर हो, उससे बात कर लीजिएगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे फ्रेम लेके आऊँगा और सीट के फ्रेम में आपको वो 9 इंची पाइप वेल्ड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले रियर सीट को फोल्ड कर लीजिए। इसमें कुल 4 बोल्ट दिए गए हैं जो एंटी क्लॉकवाइज खुलेंगे। ये थोड़े टाइट बंद होते हैं तो ये जरूरी है आप इन्हें एंटी क्लॉकवाइज ही खोलें। क्लॉकवाइज घुमाने पर ये ज्यादा टाइट हो जाएंगे या टूट भी सकते हैं। बोल्ट खुलने के बाद आपकी सीट आसानी से बाहर निकल जाएगी। ये बोल्ट थोड़े टाइट है तो इनको ध्यान से खोलें। एक बार सारे बोल्ट खुलने के बाद सीट आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर सीट बेल्ट फंसी हुई है तो आप उसको आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। एक बार आपकी सीट बेल्ट भी निकल गई तो आप इसको गाड़ी से बाहर निकाल लीजिए। अब सीट कवर को निकालने के लिए सबसे पहले नीचे प्लास्टिक का लॉक दिया होता है। ये लॉक 60/40 फॉर्मेट में होता है। आप दोनों लॉक खोल लीजिए। अब सीट को पलट लेंगे और चाइल्ड सीट माउंट को अनलॉक कर लेंगे। ध्यान रहे ये ऊपर की साइड से अनलॉक होंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये ऊपर की साइड से ही अनलॉक होंगे। दोनों माउंट्स को आसानी से खोल लेंगे। अब सीट कवर निकालते हुए ये ध्यान दें कि सीट कवर को फोम में रिंग लगाकर तार के साथ ज्वाइंट किया होता है। आप इस लोहे की वायर को फोम की रिंग से सावधानी से निकालें। इस तार को दोबारा से लगाना है इसलिए इसे बड़ी सावधानी के साथ निकालें। इस तार की मदद से ही सीट कवर इस फोम से बिल्कुल अटैच रहता है। इसी तरह आप इसको निकालेंगे। इस फोम को लोहे के फ्रेम के साथ पेस्ट किया होता है। पेस्टिंग सिर्फ साइड से हल्की होती है इसलिए ये आसानी से निकल जाएगी। फोम को निकालने से पहले लोहे के फ्रेम में फोम की कटिंग के हिसाब से मार्किंग जरूर कर लें। इसके लिए आप परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मार्कर से अच्छी तरह से मार्किंग कर लें। मार्किंग होने के बाद आप इस फोम को फ्रेम से अलग कर दीजिए। ये बिल्कुल आसानी से अलग हो जाएगी, नाम मात्र का ही फेविकोल इसमें लगा होता है। मैंने वेल्डिंग से पहले 1/4 इंच के सॉकेट को लगाकर मार्किंग कर लिया। इसके बाद मैं सीधा इसमें वेल्डिंग करवाऊंगा। अब बारी है वेल्डिंग करवाने की। वेल्डिंग करवाते हुए 1/4 इंच वाले सॉकेट को लोहे के फ्रेम के पाइप से 1/2 इंच ऊपर और बाकी को नीचे की तरफ रखना है। एड्रेस की हेल्प से साइज जरूर मेंटेन करते रहें। और टाके को परमानेंट करवाने से पहले ये प्लास्टिक के सॉकेट बाहर निकाल लें, वरना ये मेल्ट हो जाएंगे। एड्रेस की हेल्प साइज इवन रहे इसीलिए ली जाती है। एड्रेस की हेल्प से इसी तरह दूसरी तरफ के भी टाके पहले कच्चे करवाएं। अब जैसे मैं दूसरी तरफ इसको लगा रहा हूं, पहले एक टाका लगवाऊंगा दोनों साइड और उसके बाद मैं इसको परमानेंट करवाऊंगा। तो आप भी पहले कच्चे टाके करवाएं और फिर हेडरेस्ट और प्लास्टिक का ये सॉकेट निकाल लें और इस पाइप को अलग से वेल्ड करवाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टाके अब पक्के हो रहे हैं, ये परमानेंट इसमें अब फिक्स हो जाएंगे। इसी तरह ये वेल्डिंग का काम बड़ी सावधानी से करना है। इसमें साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैप का ध्यान रखना है और इनको परमानेंट करवा लेना है। अभी हमारा लोहे का फ्रेम हेडरेस्ट लगने के लिए रेडी हो गया है। इसमें ये प्लास्टिक के हेडरेस्ट सॉकेट हम पहले ही फिट कर लेंगे। सभी सॉकेटों को हम अच्छे से फिट कर लेंगे। फोम सेट करने के लिए पहले फ्रेम पर थोड़ा फेविकोल लगा लेंगे, जिससे लोहे के फ्रेम पर फोम अच्छे से सेट हो जाएगी। फेविकोल लगाने के बाद हम फ्रेम पर फोम रखेंगे और सेट करेंगे। हम लोहे के फ्रेम पर फोम अच्छे से सेट करेंगे ताकि ये लगाए गए फेविकोल पर अच्छे से चिपक भी जाए। फोम को सेट करने के बाद अब हम सीट कवर को फोम के हुक में लोहे के तार की हेल्प से फिर से फिक्स करेंगे। इसे फिक्स करना बहुत जरूरी है। इसे फिक्स करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प भी ले सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएगा। अब सीट कवर को ऊपर लगाने के बाद हम सीट कवर में दिया कपड़े का हुक लगा देंगे। अब लास्ट बारी आती है प्लास्टिक का लॉक लगाने की। ये लॉक आसानी से ऊपर वाले के अंदर नीचे वाला जाकर फिक्स हो जाता है। 60-40 स्प्लिट वाला ये लॉक हम लगा देंगे। दोनों लॉक लगा देने के बाद हमारी सीट लगभग तैयार है। लॉक लगने के बाद अब बारी आती है चाइल्ड सीट माउंट्स की। ये सॉकेट सिंपल प्रेस करने से फिक्स हो जाएंगे। दोनों सॉकेट लगाने के बाद अब बारी है हेडरेस्ट ट्रेंट मतलब प्लास्टिक के हेडरेस्ट सॉकेट को सीट कवर से बाहर निकालने की। इन्हें कटर की हेल्प से बड़ी सावधानी से बाहर निकालें। इन्हें ज्यादा ना काटें, ये काम कटर से बड़ी सावधानी से करें। ज्यादा कटा हुआ सीट कवर बहुत बुरा लगेगा, इसलिए इन्हें बड़ी सावधानी से काटें और इस सॉकेट के पीछे फिक्स कर दें।
अब लास्ट में हम हेडरेस्ट को फिक्स करेंगे, हम दोनों हेडरेस्ट को फिक्स कर देंगे। हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हमें बस ये सीट गाड़ी में फिक्स करनी है। गाड़ी में सीट फिक्स करने के लिए सीट को उसी तरह फोल्ड करके रखना है और दिए गए सॉकेट में नटों को टाइट कर देना है। नट अब क्लॉकवाइज टाइट होंगे, तो आप ये ध्यान रखें कि अब इसको क्लॉकवाइज टाइट करना है और इनको अच्छे से टाइट कर देना है। हमारा काम अब पूरा हो चुका है। हाँ जी सर, रिव्यू बताओ कैसे लगे? मजा आ गया बिल्कुल, मैं तो बड़ा खुश हो गया देख के। और मैं दूसरों को भी सलाह दूंगा अपने भी लगाओ। धन्यवाद सर जी। बिल दिखियो भाई साहब, मजे आ गए। गर्दन पीछे लटकी रहती थी, ये तो अब आराम से पीछे पीछे बैठने वाला आराम से सोएगा।